अब आप देखें, जिन लोगों ने इल्म हदीस में इतना बड़ा काम किया कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये मौजा से कम नहीं, रावी परखे, ये मी तहजीब व तहजीब इमाम हाफिज अहमद बिन अली इब्न हजर अल अस्कलानी, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है फतुल बारी, तो ये 12 जिल्द हैं रावियों पर। अब इसकी ये 11वीं जिल्द है और इसका नंबर है ये 699 और सफ़ा है 360 और 361, यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान। अब इसमें ये हवाला लिखते हैं, और ये फैसला किसका, जो यजीद के ख़ानदान से था, मरवान का पोता था, मगर वो वली है, खलीफा राशिद है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उनका। और हाफिज़ साहब ने बिल्कुल इब्ने हजर ने साफ साफ बयान किया कि जितने रावी ये वाकया बयान कर रहे हैं ये सारे सिका। अब इन लोगों का हाल यह कि रिसाले छाप देते हैं, और आप ये ना समझे कि मौलवी साहब को कोई खबर है वो शाते हुसैन बयान नहीं, इस जमाने में ये मेरे दिन में फर्ज ऐन हो गया। मैं समझता अगर मैंने इस बारे में जुबान गोंग की, मेरे मुंह में क्यामत के दिन लगाम डाली जाएगी। हर मस्जिद में तूफान बदतमीजी बरपा, इश्तहार लगे हुए हैं कि वाकया करबला तहकीकी पैराए में, और झूठ बोलते कि यजीद वली था और इमाम हुसैन ऐसे थे। इस मौका पर खामोशी इख्तियार करें तो इंतहा दर्जे का जुर्म होगा, नहीं इमाम की शहादत को बयान करना और जो फासिक हैं जालिम हैं उनको बिल्कुल रुइया करना। तो देख लें ये 361 सवा। वकार यहया इब्न अब्दुल मलिक बिन अबी गनिया अहद सिकात, ये रावी ये भी सिका रावियों में से एक, वो कहता हद्दसना नौफल बिन अबी बकर अकरब सिका काला कुंत इंद उमर बिन अब्दुल अजीज, ये रावी कह रहा है कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास था, फजा करा राजुल यजीद अपना मुआविया, तो ये यजीद बिन मुआविया की बात हो गई। फकाला काला अमीरुल मोमिनीन यजीद, तो उस आदमी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने ऐसा कहा, ये ऐलानिया लिखते हैं कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन यजीद रजी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह, तो उसने भी कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद। फकाला उमर तकूल अमीरुल मोमिनीन यजीद, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा ना मुराद है तू यजीद जैसे आदमी को अमीरुल मोमिनीन कहता कि मोमिनों का अमीर है। वह अमरा बे फजर बे शरीना सौता, तो आपने हुक्म दिया और उस आदमी को 100 कोड़े लगवाएगा, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज जो खुद मरवान का पोता है इन्हीं के खानदान से और बिल्कुल करीब उसी सदी में हुआ, चंद साल का तो फासला, वो क्या कह रहा है? सही रिवायत और शख्स वो लिख रहा है जिसको आप खात्मतुल मुहद्दिसीन कहते हैं, इसके बाद इस पाए का कोई मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ, और उसकी शरह सही बुखारी की फतुल बारी को हम हुज्जत के तौर पर पेश करते हैं कि हाफिज साहब ने हा? और शेखुल इस्लाम अगर लिखा जाए उसूल हदीस की किताबों में तो इब्ने हजर मुराद होता, बाकी बहसों में आए तो इब्ने तैमिया होते हैं, मगर हदीस के उसूल में जब जिक्र आया कि काला शेखुल इस्लाम ये इब्ने हजर होता, तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह क्या कह रहे कि 20 कोड़े मरवाए उमर बिन अब्दुल अजीज ने और कहा कि तुम उसको अमीर कहते हो कि मोमिनों का अमीर है,